जय हिंद मित्रों, मैं मुकेश उपाध्याय। हमेशा की तरह हम आपको अलर्ट करते हैं, हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करें। आज हम आपको एक ऐसे स्नैक के बारे में बताना चाहते हैं जो मोस्ट ऑफ रात के टाइम, रात की बात आई तो याद आई, एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था, अंधेरी रातों में सुनसान गलियों में चोर, यहाँ पे चोर नहीं आता है। एक ऐसे आपको शाम से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कोमन करे काड़त्रो, गुजराती में बोला जाता है, और ये न्यूरोटॉक्सिन हाई वेनेमस स्नेक्स है। ये सांप से आप जरूर बच के रहिए, क्योंकि गर्मी के कारण ये बाहर आ जाता है और हमारे घर में अंदर हम सोए रहते हैं तो हमारे जो बॉडी से हीट निकलता है उसके नजदीक रहता है, हम जैसे ही करवट लेते हैं दबने के कारण वो बाइट कर देता है। और इसके दांत आपने देखा होगा कि कोबरा स्नेक है, इसके दांत जो होते हैं वो आगे की साइड होते हैं और वाइपर के भी दांत आगे की साइड होते हैं, मगर ये जो कोमन करे थे इसके दांत जो है ना थोड़े पीछे होते हैं, पीछे की साइड होते हैं ऐसे, जिसको इसको बाइट करने में काफी तकलीफ होती है, मगर दबने के कारण या आपके हाथ लगने के कारण इसे ये तुरंत बाइट कर देता है। और कभी कभी बाइट में आपको ऐसा स्क्रैच भी लगेगा या कभी कभी आपको दो पॉइंट भी नजर आएंगे, क्योंकि इसके दांत सुई से भी पतले दांत होते हैं। तो आपको रात में होने के कारण आपको लगेगा किसी चींटी ने काटा या कुछ ऐसा, तो या आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बाइट हुआ है। और जब आधे एक घंटे के बाद आपको शरीर में कुछ चेंजअप, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द और आपको बेचैनी, ये सब कॉमन करे के जहर का लक्षण है, तो आपको लगेगा कि आपके खाने कुछ खा लिया है इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है और आप पेट दर्द होना चालू हो जाएगा, तो पेट दर्द की दवाई ले लेंगे। तो मगर अगर आप ऐसा कभी भी अचानक, आप जंगल एरिया में रहते हैं, आपके आजू बाजू जंगल है, झाड़ है और अक्सर सांप निकल आते हैं, जब भी रात में आपको ऐसा तकलीफ आने लगे अचानक, तो आप तुरंत आजू बाजू सर्च कीजिए, क्योंकि सांप जब बाइट करता है तो वो थका हुआ रहता है, वो आजू बाजू ही मिलता है, तो थोड़े सामान हटा के देख लीजिए कि सांप ने तो बाइट नहीं किया। जरा भी आपको लगता है कि स्नेक बाइट हो सकता है तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि आप ओझे झाड़ फूक के चक्कर में कभी मत रहिए, सीधे आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए जहाँ पे एंटी वेनम अवेलेबल होता है, वहां पे आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, आप हमको